हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज लेकर आया हूँ कि चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर अक्षम अभियान, उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, उसका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट कब है, सब डिटेल्स बात करूंगा। दोस्तों वीडियो फुल तक देखिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको डिवाइड किया है। तो पहला क्या है आपका, आपका जो जिसके पास आपका मेडिकल डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, जिसके पास एग्रीकल्चर डिग्री है, एनिमल हस्बेंड्री ये सब डिग्री है, उन लोग 5 लाख उपलब्ध कर सकते हैं सरकार के द्वारा। 5 लाख रुपए आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों, और उसका 5 लाख में 2.5 लाख आपको चुकाना पड़ेगा, और 2.5 लाख आपका सरकार के द्वारा आपका मुफ्त किया जाएगा। फिर दोस्तों तो सेकेंड ग्रुप में जो लोग पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट से, उन लोगों को 2 लाख रुपया मिलेगा दोस्तों। 2 लाख में 1 लाख रुपए आपको चुकाना पड़ेगा, और 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा आपका मुफ्त किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बेनिफिट है, आप लोग इसका उपलब्ध कीजिए। 2 लाख इंडिविजुअल्स को देगा, तो 2 लाख लोग यूथ्स आप लोग क्या कर सकते हैं, ये उपलब्ध करके आपका बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टेप अभी बताऊंगा। तो पहला दोस्तों, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप स्क्रीन पे दिख रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट 28 to 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 28 to 43 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए SC ST के लिए। और मेन बात दोस्तों, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए, मतलब आप आसामीस होना चाहिए। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और जो लोग SC ST उन लोगों के लिए बस 10 है, बस 9 पास होना चाहिए उन लोगों के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो दिखा रहे कि बैंक पासबुक जो है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो 1 दिसंबर 2023 से पहले होना चाहिए। फिर दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन लिंक कब तक अवेलेबल है, ये 7 नवंबर तक अवेलेबल है। ये खुला कब हुआ था, 23 सितंबर में ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और आपका सिविल भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और एज तो मैंने बता दिया कि का आप 28 to 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 28 to 43 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए SC ST के लिए। दोस्तों यहाँ पर कोई फी चाहिए क्या इसको अप्लाई करने के लिए, देर इज नो फी टू अप्लाई फॉर दिस, कोई फी नहीं चाहिए आपको दोस्तों। जब अप्लाई करेंगे एक ARN नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, वो आपको क्या करना है सेव करके रखना है, कि जब आप ये स्कीम बेनिफिट लेंगे तब आपको ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर चाहिए। फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर। थैंक यू गाइस।